टी20 विश्व कप 2022 में अपना पहला मुकाबला मेलबर्न में जीतने के बाद भारतीय टीम अब सिडनी पहुंच चुकी है, जहां पर भारतीय टीम का सामना नेदरलैंड्स की टीम के साथ होगा। लेकिन सिडनी पहुंचकर भारतीय टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया ने कुछ ऐसा किया जिसके कारण आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया को दंडित किया है। दोस्तों, अगर आप भी पूरी खबर के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, टी20 विश्व कप 2022 के अपने पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने कमाल की शुरुआत की है। विराट कोहली ने एक शानदार पारी खेली और पूरी दुनिया में विराट कोहली की उस पारी की प्रशंसा चल रही है। कोई भी क्रिकेट फैन उस मुकाबले को नहीं भुला सकता, क्योंकि भारतीय टीम ने जिस प्रकार से उस मुकाबले को जीता, सभी का देखकर होश उड़ गए, क्योंकि भारतीय टीम ने ऐसे मुकाबले को जीता जिस मुकाबले में भारतीय टीम की जीत बिल्कुल असंभव थी। विराट कोहली के बलबूते पर भारतीय टीम ने उस मुकाबले को जीत लिया। लेकिन अब भारतीय टीम सिडनी पहुंच चुकी है, जहां पर भारतीय टीम का सामना नेदरलैंड्स की टीम के साथ होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि सिडनी में भारतीय टीम के साथ काफी बुरा व्यवहार किया गया, भारतीय प्लेयर्स को खाना तक नहीं दिया गया। जी हां दोस्तों, भारतीय प्लेयर्स को ठंडे सैंडविचेस दिए गए, जिसके लिए भारत के कप्तान रोहित शर्मा और हेड कोच राहुल द्रविड़ ने बीसीसीआई से इसकी शिकायत की है। बीसीसीआई ने इसकी शिकायत ऑस्ट्रेलिया से की, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इसका कोई निवारण नहीं निकाला, जिसके लिए बीसीसीआई ने आईसीसी से इसके बारे में शिकायत दर्ज की है। और दोस्तों, आपको बता दें कि आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया पर 52 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ा जुर्माना लगा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप को होस्ट कर रही है और ऑस्ट्रेलिया ऐसा व्यवहार किया है जिसके लिए आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया को दंडित किया है। तो दोस्तों, अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि आने वाले मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया किस प्रकार की मेजबानी करती है, क्या भारतीय टीम के साथ अच्छा व्यवहार करेगी या आईसीसी उन पर और ज्यादा पेनल्टी लगाएगा।